सभी को मेरे जय जिनेंद्र। जैन टॉक्स के 149th सेशन के अंदर मैं नील आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जयपुर से जैन दर्शन की विदुषी डॉक्टर रीना जी बैद जुड़े हुए हैं, जो कि आज एक बहुत ही रोचक विषय के ऊपर बात करने वाले हैं। विषय है आज का सामाजिक समस्याएं और जैन धर्म, यानी समाज में जो जो समस्याएं चल रही है उसके लिए जैन धर्म में किस प्रकार के समाधान बताए गए हैं, उसके ऊपर आज बहुत ही सुंदर ये टॉक सेशन रहने वाला है। मैं सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आपको इस टॉक सेशन रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो, रीना जी से आप डायरेक्टली पूछना चाहो तो आप आपका हैंड रेज कर सकते हैं। सेशन के अंत में हम 10 मिनट्स Q&A सेशन रखेंगे, जिसमें आपके प्रश्न हम रीना जी को पूछेंगे, जिससे आपकी जिज्ञासाओं का समाधान हो सके। आज के सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं संक्षिप्त में डॉक्टर रीना जी बैद के बारे में आप सभी को बताना चाहूंगा। डॉक्टर रीना जी बैद एक बहुआयामी प्रतिभा की धनी है। वे पिछले 2 दशक से अधिक समय से प्राकृत भारतीय एकेडमी के पुस्तकालय अध्यक्ष होने के साथ साथ जैन विद्या और संस्कृति के प्रति समर्पित है। एकेडमिक स्तर पर उन्होंने जैन दर्शन और हिंदी साहित्य में PhD प्राप्त की है। कई सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठानों में उनकी सहभागिता उनके सामाजिक सर्व कार्यों को व्यक्त करता है। जैन संस्कारों के साथ उन्होंने भारतीय तत्व विद्या का भी गहन अध्ययन किया है। स्वभाव में विनम्रता और कर्मों में कर्मठता उनके जीवन का सहज स्वभाव है। वे कई एकेडमिक आयोजनों में शोध पत्र पढ़ चुकी है और उनके लेख कई मैगजीन्स में पब्लिश भी हो चुके हैं। उनकी अध्ययन प्रियता से कई शोध छात्र भी लाभान्वित होते हैं और होते रहे हैं। ऐसी जैन दर्शन की विदुषी डॉक्टर रीना जी बैद को मैं आज जैन टॉक्स के मंच के ऊपर इनवाइट करता हूँ। रीना जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेंद्र नैन जी। जी, और मैं उनसे विनती करता हूँ कि आज का जो उन्होंने ये विषय पसंद किया है उसके ऊपर उनके सालों का जो अध्ययन है, रिसर्च है, वो हमारे सबके साथ साझा करें। जी रीना जी। सबसे पहले द जैन फाउंडेशन संस्था के संस्थापक व समस्त पदाधिकारी कार्यकर्ण सभी को मेरा नमन नमस्कार। नील जी, आपको विशेष रूप से मेरा नमन स्वीकार हो, क्योंकि आपने मुझे इस मंच पर निमंत्रण दिया और मेरा जो परिचय नहीं था उससे भी कहीं अधिक आपने मुझे आज परिचय दिया है। आपने स्मिता जी और श्रीमती मंजू जी चोपड़ा, जिन्होंने मुझे इस संस्था से, आपकी व्याख्यान माला से मुझे जोड़ा, उनको भी मैं नमन करती हूँ। इस सत्र से जुड़े हुए सभी विद्वत जनों को मेरा कोटि कोटि जय जिनेंद्र। और एक शोधार्थी होने के नाते हम शोध करते हैं बहुत सी चीजें। आज भी मैं अपने प्रश्न पत्र को पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि आज की ज्वलन समस्या ये भी निकल कर आ रही है, और इस तरह से सोशल मीडिया से भी हम लोगों को बहुत सी समस्याएं आ रही हैं, तो उन पर भी हमें और अपने विचारों को रखना चाहिए और अधिक गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो हम शोधार्थी तो है ही, साथ में हमें लगता है कि अपना जितना भी जो भी गहन अध्ययन हो वो एक दूसरे से हम लोग परिचर्चा करें और शास्त्रार्थ करें, ताकि हमारे जैन धर्म दर्शन में से बहुत सी चीजें निकल कर लोगों तक पहुंच सके। यही मेरा उद्देश्य रहता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज के साथ जीता है। आज समाज में व्याप्त समस्याओं के समाधान हेतु जैन धर्म दर्शन में व्याप्त सूत्रों को प्रासंगिक बनाना ही मेरी चर्चा का उद्देश्य है। सामुदायिक जीवन में चेतना का विकास जरूरी है। चेतना से व्यक्ति शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकता है। जीवन के शब्दकोश का महत्वपूर्ण शब्द है शांति। अगर जीवन में नहीं तो जीवन नीरस होगा, व्यक्ति उत्तेजक रहेगा, सदैव मरने की बात करेगा। अतः शांति बहुत महत्वपूर्ण है। बुराई को समाप्त करने के लिए क्रोध की आवश्यकता नहीं, शांति से भी बुराई को जीता जा सकता है। किंतु यह कब होता है? जब हमारा लोभ व स्वार्थ उस समस्या से जुड़ा हुआ न हो। समस्या व्यक्ति के जीवन में आती रहती है और वह हमारे व्यवहार में बिखराव, झगड़ा आदि सभी कुछ उत्पन्न कर देती है। एक बार जब हमारा किसी से कोई बात हो जाती है तो एक बार मन में घृणा भी उत्पन्न होती है, लेकिन इस घृणा का कारण क्या? राग। लेकिन राग हमारे अंदर रहता है, उस पर हम पर किस प्रकार काबू करें? जीवन व्यवहार में बिखराव, झगड़ा आदि समाप्त करने के लिए मौन तो है ही,
लेकिन उसके साथ हमारे पास सामंजस्यता, समन्वयवादी विचार और व्यक्ति में विनम्रता, आध्यात्मिकता, सहनशीलता, विवेक, सौहार्द आदि गुणों को प्रविष्ट भी करवाते हैं। समस्याएं कितनी भी जटिल क्यों न हो, व्यक्ति अपने विवेक से उसका हल ढूंढ ही लेता है। सहिष्णु व्यक्ति को लोग कायर समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा व्यक्ति है, क्योंकि परिवार में टूटन वही बचाता है। व्यक्ति में अनुशासित जीवन को व्यवस्थित करने के लिए एक भावना उत्पन्न होती है, और इन सब भावनाओं का जैन धर्म दर्शन में चार आश्रमों की व्यवस्था तो है ही, साथ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के माध्यम से भी हमें अपने उद्देश्यों की ओर प्रवृत्त किया गया है। इसके अतिरिक्त हमारे 16 संस्कारों की व्यवस्था समाज ने हमें दी है। उन संस्कारों में गर्भाधान, सीमंतोनयन, जातकर, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्ण वेद, विद्यारम्भ, उपनयन, वेदारम्भ, केशान, समावर्तन, विवाह एवं अंत्येष्टि है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। मनुष्य का जन्म, मृत्यु, जीवन यापन समाज में ही होता है। अगर व्यक्ति समाज में न रहे, उसके लिए एक अरस्तु ने बहुत मार्मिक कथन कहा कि जो व्यक्ति समाज में नहीं रह सकता या जिसकी अपनी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह स्वयं में नहीं है, अवश्य ही वह या तो पशु है या परमात्मा है। क्योंकि हम लोगों की आवश्यकताएं दिन प्रतिदिन बढ़ती है, और यह दिन प्रतिदिन हम लोगों को आवश्यकता होती है वह एक दूसरे से ही निकलती है, तो हमारा समाज में रहना और अपने संयमित जीवन को जीना अति आवश्यक है। संयम समाज का प्राण है। समाज में व्यक्तियों के परस्पर आवश्यकता के अनुसार सामाजिक नियमों की सृष्टि होती है। यदि गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए तो सामाजिक सदाचार ही जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण नियम को परिलक्षित करता है। जैन धर्म को पूरा का पूरा आचार शास्त्री कहा जा सकता है। यदि सभी व्यक्ति सामाजिक नियमों के अनुरूप कर्तव्य पालन करने लगे तो सबके अधिकार सुरक्षित हो जाएंगे और सुंदर समाज का निर्माण भी हो सकेगा। आदर्श समाज रचना के कई विधान हैं जिनका समाज दर्शन अनुसंधान करता है। इन्हीं विधानों को आधार मानकर समाज का आचरण एवं व्यवहार संचालित होना चाहिए। जैन धर्म में संगठन तभी संभव है जब विभिन्न इकाइयों में परस्पर निर्भरता, परस्पर सहयोग, परस्पर सामंजस्य की भावना हो। समाज शब्द दो शब्दों से बना है संस्कृत के, सम प्लस अज। सम का अर्थ है इकट्ठा और अज का अर्थ होता है साथ रहना। इसका अभिप्राय है कि समाज शब्द का अर्थ हुआ एक साथ रहने वाला समूह। मनुष्य चिंतनशील प्राणी है और मनुष्य ने अपने लंबे इतिहास में एक संगठन का निर्माण किया है। वह जो जो मस्तिष्क जैसा अमूल्य शक्ति का प्रयोग करता है, उसकी जीवन पद्धति बदलती गई और जीवन पद्धतियों के बदलने से आवश्यकताओं में परिवर्तन हुआ। इन आवश्यकताओं के कारण व्यक्ति में कई बार समस्याएं उत्पन्न हुई और उन समस्याओं के लिए उसमें कई प्रकार के समाधान भी प्रकट हुए, और उनमें हम सबसे अधिक देखते हैं कि जैन धर्म दर्शन ही एक ऐसा दर्शन है जिससे हमारी सभी सामाजिक समस्याओं का अंत हो जाता है। कर्म सिद्धांत जैन धर्म का मूल सिद्धांत माना जाता है, और इसमें विशुद्ध कारण और कार्य का शुद्ध वैज्ञानिक सिद्धांत है, जिसमें अटलता में पूर्ण विश्वास है। प्रकृति की सभी मूर्त व अमूर्त शक्तियां उनकी प्रकृति के आधार पर तीन भागों में विभाजित की जा सकती हैं, सात्विक, रासिक और तामसिक। सत्व और तम एक दूसरे के पूर्ण विरोधी हैं। जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं हो सकता, इसलिए तामसिक शक्तियों का संपर्क अपवित्रता पैदा करता है, और सात्विक शक्तियों का संपर्क पवित्रता अपवित्रता के बीच प्रायश्चितता का भी विधान है। शुद्धि संस्कारों द्वारा प्रायश्चित करने से अपवित्रता दूर हो जाती है, जिससे हम लोग मिच्छामि दुक्कड़म बोलते हैं और प्रतिक्रमण आदि में हम लोग करते हैं, और प्रतिदिन भी हम लोग प्रायश्चित करते हैं। धर्म का दूसरा पक्ष सामाजिक नैतिकता है। इस दृष्टि से धर्म व्यक्ति की विशिष्ट सामाजिक परिस्थिति के अनुसार उसके सामाजिक दायित्वों की पूर्ति पर जोर देते हैं। इसी अर्थ में राजा का धर्म, प्रजा का धर्म, मित्र का धर्म, पिता का धर्म, पत्नी का धर्म आदि निर्धारित किए गए हैं, और उन निर्धारित धर्मों के आधार पर यहाँ जैन धर्म में 10 धर्म भी बताए गए हैं। उन धर्मों में हमें यही सिखाया जाता है कि निष्ठा पूर्वक हमें अपने धर्म का पालन करना होता है। जीवन के दुखों को दूर करना ही दर्शन का मूल उद्देश्य नहीं होता है। भारतीय दर्शनों के अनुसार केवल सत्य की खोज और उनका ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु उन्हें आत्मसात कर तदनुरूप जीना भी आवश्यक है। यही कारण है कि भारत में धर्म और दर्शन सहचर और सहगामी रहे हैं। दर्शन सत्ता की मीमांसा करता है और उसके स्वरूप को तर्क एवं विचार से ग्रहण करता है, जिससे कि मोक्ष की उपलब्धि हो। धर्म उस तत्व को प्राप्त करने का व्यवहारिक उपाय है। दर्शन हमें आदर्श लक्ष्य बताता है, धर्म उसको प्राप्त करने का रास्ता। दर्शन द्वारा तत्व प्रतिपादित होते हैं और धर्म उनका क्रियान्वयन करता है। हेय को छोड़ता है, उपादेय को ग्रहण करता है। दर्शन और धर्म दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। दर्शन की अनेक धाराएं हैं।
जैन दर्शन अध्यात्मवादी दर्शन है। भारतीय दर्शनों में जैन दर्शन का अपना एक विशिष्ट और गौरवपूर्ण स्थान है। आचार में अहिंसा, विचार में अनेकांत, वाणी में स्यादवाद और समाज में अपरिग्रह, ये चार महान स्तंभ है जिन पर जैन दर्शन का महाप्रसाद खड़ा है। जैन दर्शन जीवन दर्शन है। यह केवल कमनीय कल्पनाओं के अनंत आकाश में विचरण नहीं करता, वरन उन विमल विचारों को जीवन के प्रत्येक व्यवहार में प्रतिफलित करता है। सब प्रकार के परिग्रह से मुक्ति, राग द्वेष से सर्वथा विरति, वितराग मार्ग का अनुसरण और आत्म साधना में विमग्नता, यह है श्रमणाचार। जैन धर्म और दर्शन विश्व को निवृत्ति मूलक जीवन शैली प्रदान करता है। संतुलित जीवन जीने की कला जैन धर्म की प्रमुख देन है। यह अहिंसा मूलक सिद्धांत से संपृक्त है। आधुनिक भारतीय समाज में अनेक समस्याएं हैं जिनका समुचित हल नहीं निकल पाता। इन समस्याओं की जड़ें भारतीय समाज में इतनी गहरी हैं कि उन समस्याओं का अगर एक हम विश्लेषण करें तो दूसरी समस्या, तीसरी समस्या ऑटोमेटिकली अंदर से अंदर समस्याएं निकलती रहती हैं। लेकिन फिर भी हमें इन समस्याओं की इस समस्याओं में समाधान ढूंढते रहते हैं और उन पर नियंत्रण भी होता है, कुछ सामाजिक संगठनों द्वारा तो कुछ सरकारी संगठनों द्वारा, गैर सरकारी संगठनों द्वारा, समूह द्वारा, परिवारों द्वारा और स्वयं व्यक्तियों के द्वारा भी इनका समाधान हमें मिलता रहता है। भारतीय संस्कृति की पाचन शक्ति इतनी विशाल है कि अनेक प्रकार की विविधताओं में भी भारतीय संस्कृति इसे अपने आप में आत्मसात करती रहती है और सांस्कृतिक परिचय देती रहती है। समस्या की उत्पत्ति पर हम यदि प्रकाश डालें तो कुछ समस्याएं हमारी व्यक्तिगत होती है कि जैसे एक व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से कमजोर है और उसने मकान बनाने के लिए कहीं से आर्थिक उधार पैसा लिया और चुकाने में असमर्थ रहा तो वह उसकी व्यक्तिगत समस्या है। लेकिन ऐसी सामाजिक समस्याएं भी है जिनसे लाखों करोड़ों लोग भी उसके शिकार होते हैं, जैसे भारत में गरीबी, भूख, कुपोषण, अल्प पोषण से पीड़ित लगभग 35 करोड़ बच्चे हैं। यह हमारी एक सामाजिक समस्या है। इसका निराकरण हम एक यह सोचे कि एक व्यक्तिगत समस्या का समाधान हम नहीं कर सकते, लेकिन सामाजिक समस्या एक ऐसी समस्या है जिसके समाधान के लिए हमें जैन धर्म दर्शन के हिसाब से आगे आना चाहिए और अपरिग्रह की प्रवृत्ति हमें यह सिखाती है कि हम इसका समाधान किस प्रकार ढूंढेंगे। सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन। राजस्थान में भी नीट का पेपर एक लीक हुआ था और उस समस्या में भी यह लगता है कि कई लोग पैसा दे करके डिग्रियां ले लेते हैं या फिर पेपर लीक करवा देते हैं परीक्षाओं में या किसी नकल के द्वारा पास होते हैं। इस सब असंतोष और असंतुलन उत्पन्न होना भी एक समस्या है। इस समस्याओं की अवधि कई बार बहुत संक्षिप्त होती है कि उसका समाधान मिल जाता है और कई बार बहुत लंबी भी हो जाती है। प्राकृतिक समस्याएं उत्पन्न होती है, उसमें अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, अकाल और अभी जिस तरह से अमरनाथ में बादल फटे, कुल्लू मनाली में बादल फटे, ये प्राकृतिक समस्याएं हो जाती है। इनका समाधान हमें सरकार के द्वारा भी मिलता है और लोगों के द्वारा मदद और सैनिकों के द्वारा सहायता से प्राप्त भी होता है। जैन धर्म दर्शन भी इसमें यह बात कहता है कि हमारा संगठन, जो हमारा जैन समाज है, सेवाओं में हमेशा तत्पर रहता है। कोरोना काल में जितनी शायद जैन समाज के लोगों ने सहायता मदद लोगों की थी, उतनी शायद किसी और समाज से नहीं हुई थी। जनसंख्या की प्रकृति भी सामाजिक समस्याएं उत्पन्न करती है। जनसंख्या की बढ़ती हुई जनसंख्या से आज गंदी बस्तियां, उत्पादन की क्षमताओं में नगरीकरण आदि की बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो भारत में कमजोरी पैदा कर देती है। इन्हें हम कमजोर सामाजिक संगठन से उत्पन्न समस्या में लेते हैं, जैसे कालाबाजारी, भ्रष्टाचार आदि को बढ़ावा, आर्थिक अपराध जो होते हैं वो सब इसी संगठन में आते हैं। सांस्कृतिक मूल्यों में टकराव होने के कारण भी कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तत्कालीन दशाओं में सामाजिक मानदंडों के अनुरूप ये धीरे धीरे समाप्त होती हैं और इसके लिए बहुत बड़ा संघर्ष भी करना पड़ता है। सुधारात्मक समस्याएं जैसे वेश्यावृत्ति, मद्यपान, दहेज, व्यसन आदि। नैतिक समस्याएं जैसे भ्रष्टाचार, जुहा, विवाह विच्छेद आदि। प्रकट सामाजिक समस्याएं जो लोगों के सामने प्रकट हो जाती है और हानि उत्पन्न कर देती है। अप्रकट समस्याएं जैसे निर्धनता, निरक्षरता, जनसंख्या आदि। इस प्रकार ये समस्याएं तो है ही, साथ में हमारे संगठनों और संघर्षों के सामने बहुत सी समस्याएं ऐसी भी आती है जो हमें समाज कल्याण विभाग जैसा सरकार को खोलना पड़ता है और समाज कल्याण विभाग से भी वो समस्याओं के समाधान नहीं निकलते हैं। जैन धर्म दर्शन हमें कर्म सिद्धांत की बात बताता है और कर्म सिद्धांत निष्काम कर्म से, गीता में भी निष्काम कर्म की भावना आती है। निष्काम कर्म से व्यक्ति पारस्परिक दायित्व में संतुलन पैदा करता है और समाज के कल्याण, परोपकार और त्याग की वृद्धि करता है।
इस प्रकार कर्म सिद्धांत सामाजिक आदर्शों के निर्माण और समाज के कल्याण से भी संबंधित है। प्रत्येक कर एक न्याय तुला पर तुलता है और उसका निश्चित परिणाम होता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अनुसार कर्म करने की छूट है। कोई भी व्यक्ति कभी भी अपने अभ्युदय के लिए कोशिश कर सकता है, अर्थात अपनी क्षमताओं और परिस्थितियों के अनुसार जीवन को अभ्युदय और निश्रेष्ठ की ओर ले जाने का प्रयास भी कर सकता है। व्यक्तिगत जीवन में निवृत्ति और सामाजिक जीवन में प्रवृत्ति। लोक सेवक या जन सेवक अपने व्यक्तिगत स्वार्थों एवं द्वंद्वों से दूर रहें, ये जैन दर्शन की आचार संहिता का पहला पाठ है। चरित्रहीन व्यक्ति सामाजिक जीवन के लिए घातक होगा। व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठे हुए व्यक्ति ही किसी आदर्श समाज का निर्माण कर सकते हैं। समाज जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है। जैन आचार दर्शन में न केवल अपने युग की समस्याओं का समाधान किया है, वरन वह वर्तमान युग की समस्याओं के समाधान में भी पूर्णतया सक्षम है। वस्तु स्थिति यह है कि चाहे प्राचीन युग हो या वर्तमान युग, मानव जीवन की समस्याएं सभी युगों में लगभग रही हैं। मानव जीवन की समस्याएं विषमता जनित है। वस्तुतः विषमता ही समस्या है और समता ही समाधान है। ये विषमताएं अनेक रूपों में अभिव्यक्त होती है। प्रमुख रूप से वर्तमान मानव जीवन की विषमताएं निम्न है: सामाजिक विषम्य, आर्थिक विषम्य, वैचारिक विषम्य और मानसिक विषम्य। अब हमें विचार यह करना है कि क्या जैन आचार दर्शन इन विषमताओं का निराकरण कर सामंजस्य संस्थापन करने में समर्थ है? हाँ है। नीचे हम प्रत्येक प्रकार की विषमताओं के कारणों का विश्लेषण और जैन दर्शन द्वारा प्रस्तुत समाधान, जिन्हें मैं मार्गानुसारी बताऊंगी, हेमचंद्राचार्य अनुसार मार्गानुसारी के 35 गुणों के माध्यम से इसे समझाने की कोशिश करूंगी। व्यक्ति को चेतन जगत के अन्य प्राणियों के साथ जीवन जीना होता है। यह सामुदायिक जीवन है। सामुदायिक जीवन का आधार संबंध है और नैतिकता उस संबंधों की शुद्धि का विज्ञान है। पारस्परिक संबंध निम्न प्रकार के हैं: व्यक्ति और परिवार, व्यक्ति और जाति, व्यक्ति और समाज, व्यक्ति और राष्ट्र, व्यक्ति और विश्व। इन संबंधों की विषमता के मूल में व्यक्ति की राग भावना ही काम करती है। सामान्यतया राग द्वेष का सहगामी होता है। जब तक संबंध राग द्वेष के आधार पर खड़ा होता है, तब तक इन संबंधों में विषमता स्वाभाविक रूप से उपस्थित रहती है। जब राग का तत्व द्वेष का सहगामी होकर काम करने लगता है, तो पारस्परिक संबंधों में संघर्ष और टकराहट प्रारंभ हो जाती है। राग के कारण मेरा या ममत्व का भाव उत्पन्न होता है। मेरा संबंधी, मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा राष्ट्र, ये विचार विकसित होते हैं। परिणाम स्वरूप भाई भतीजावाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता और राष्ट्रवाद का जन्म होता है। आज के हमारे सुमधुर सामाजिक संबंधों में ये तत्व सबसे अधिक बाधक है। ये मनुष्य को पारिवारिक, जातीय, सांप्रदायिक और राष्ट्रीय शुद्र स्वार्थों से ऊपर उठने नहीं देते हैं। यही आज की सामाजिक विषमता का मूल कारण भी है। दूसरे रूप में सामाजिक संबंध में व्यक्ति का अहम भाव महत्वपूर्ण है। वह कार्य करता है। शासन की इच्छा या आधिपत्य की भावना इसका प्रमुख कारण है। जैन एवं बौद्ध आचार दर्शन जहाँ एक ओर अहिंसा के सिद्धांत के आधार पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, वहीं दूसरी ओर वर्ण भेद, जाति भेद एवं ऊंच नीच की भावना को समाप्त भी करते हैं। यदि हम सामाजिक संबंधों में उत्पन्न होने वाली विषमता के कारणों का विश्लेषण करें, तो ये पाते हैं कि उसके मूल में रागात्मकता है। यही राग एक ओर अपने और पराये के भेद को उत्पन्न कर सामाजिक संबंधों को अशुद्ध बनाता है, तथा दूसरी ओर अहम भाव का प्रत्यय उत्पन्न कर सामाजिक जीवन में ऊंच नीच की भावनाओं का निर्माण करता है। इस प्रकार राग का तत्व ही मान के रूप में एक दूसरी दिशा ग्रहण कर लेता है, जो सामाजिक विषमता को उत्पन्न करता है। यही राग की वृत्ति लोभ और कपट की भावनाओं को भी विकसित करता है। इस प्रकार सामाजिक जीवन में विषमता के उत्पन्न होने के चार मूल कारण बताए: लोभ, क्रोध, मान और माया, जिन्हें चार कषाय भी कहा जाता है। यही चारों अलग अलग रूप में सामाजिक जीवन में विषमता, संघर्ष एवं अशांति के कारण बनते हैं। संग्रह की मनोवृत्ति के कारण शोषण, अप्रामाणिकता, स्वार्थपूर्ण व्यवहार, क्रूर व्यवहार, विश्वासघात आदि विकसित होते हैं। आवेश की मनोवृत्ति के कारण संघर्ष, युद्ध, आक्रमण एवं हत्याएं आदि होती है। गर्व की मनोवृत्ति के कारण घृणा, अमैत्रीपूर्ण व्यवहार और क्रूर व्यवहार होता है। इसी प्रकार माया की मनोवृत्ति के कारण अविश्वास एवं अमैत्रीपूर्ण व्यवहार उत्पन्न होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन दर्शन में जिन्हें चार कषाय कहा जाता है, उन्हीं के कारण सामरा सामाजिक जीवन दूषित होता है। जैन दर्शन इन्हीं कषायों के निरोध को अपनी नैतिक साधना का आधार बनाता है। अतः यह कहना उचित ही होगा कि जैन दर्शन अपने साधना मार्ग के रूप में सामाजिक विषमताओं को समाप्त कर सामाजिक समत्व की स्थापना का प्रयत्न करता है। समाज में रोजगार, स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता की प्रतिष्ठा करने वाले दानों को विशुद्ध रूप से अर्थशास्त्रीय सामाजिक महत्व बताया गया है। इसके अलावा सरकार जनता पर जो कर लगाती है, यह दान का राजकीय रूप है।
व्यक्ति को नियमानुसार कर चुकाना चाहिए। सामाजिक समता, सांस्कृतिक उन्नति, संसाधनों के समान वितरण, विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय विकास में दान, संविभाग व सहयोग का महत्व कभी कम नहीं हो सकता है। हमारे जैन धर्म दर्शन के पांचों सिद्धांत, चार कषाय, 12 व्रत और मार्गानुसारी के गुणों का सामाजिक पक्ष जो है वो इसी प्रकार है। गृहस्थाचार की भूमिका में के रूप में सप्त व्यसन त्याग के साथ आचार्यों ने विविध संदर्भों में आगम वाणी के आधार पर अनेक नियमों और उपनियमों की स्थापना की है। सामाजिक आर्थिक दृष्टि से इन्हें जीवन में आर्थिक उन्नति के उपाय या व्यवसायिक सफलता के सूत्र के रूप में देखा जा सकता है। यही आर्थिक दृष्टि से मार्गानुसारी के 35 गुणों की चर्चा की जा रही है। न्याय नीति पूर्वक धनोपार्जन, इनका शायद मैं वर्णन नहीं करूं तो चलेगा, धम्मा जीवी बताया गया है। शिष्टाचार प्रशंसक, जी जी, मीन्स आप मार्गानुसारी के गुणों का मीन्स बहुत इम्पोर्टेंस है, मीन्स आप बता सकते हो, बट अगर आप नहीं पढ़ोगे और ऐसे ही आप बता दोगे सारांश तो भी अच्छा रहेगा, मीन्स आप मुख्य मुख्य बिंदु को हाईलाइट कर दोगे तो चलेगा। ठीक है, मैं बोलती हूँ थोड़ा थोड़ा। हाँ। न्याय नीति पूर्वक धनोपार्जन, आगमों के श्रावक को धम्मा जीवी बताया गया है। जिस देश के नागरिक न्याय नीति पूर्वक धनोपार्जन करने वाले हों वहाँ अनेक आर्थिक सामाजिक समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाता है। शिष्टाचार प्रशंसक, जो शिष्ट होता है वह विशिष्ट होता है। आगम ग्रंथों में विनय, अनुशासन आदि सद्गुणों का अनेक स्थलों पर वर्णन है। शिष्टता मनुष्य को आर्थिक दृष्टि से योग्य बनाती है। एक अच्छा व्यवसायी और प्रबंधक हमेशा शिष्ट होता है, वह शिष्ट जनों की तारीफ करता है और उनसे सहयोग लेना जानता है। काम संयम, आगम ग्रंथों में अनेक जगहों पर उल्लेख किए धनार्जन करने के लिए व्यापारी परदेश या विदेश जाते थे, दीर्घ अवधि के पश्चात पुनः लौटते थे। बिना काम संयम से संभव नहीं था। सामान्य तौर पर भी एक सच्चरित्र समर्थ व्यक्ति के लिए काम संयम का अत्यधिक मूल्य है। इसके अतिरिक्त काम संयम के अंतर्गत अयोग्य विवाह का निषेध भी है। आगमों में कहा गया कि बाल भाव से उन्मुक्त होने पर, नौ अंग प्रतिबद्ध होने और गृह संबंधी भोग भोगने में समर्थ होने पर ही विवाह किया जाए। जिन कार्यालयों में महिला पुरुष कर्मचारी साथ साथ कार्य करते हैं वहां शालीन आचरण भी काम संयम ही होता है। पाप का भय, एक सद्गृह पाप और बुराइयों के अलावा कभी किसी से नहीं डरता। वह पापी से भी नहीं डरता, अपितु अवसर मिलने पर उसे भी रूपांतरित कर देता है। देश प्रसिद्ध आचार का पालक, जिस देश काल में व्यक्ति जीता है उसकी मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए उसके अनुसार अपना व्यवहार रखें। समाज और देश की सभ्यता, संस्कृति, परंपरा और कानून कायदों को जानने वाला तथा उसके अनुसार आचरण करने वाला उन्नति करता है। अनिंदनीय, भगवान महावीर ने निंदा को पीठ का मांस खाने सदृश कहा है। जो पराये की निंदा नहीं करता वह स्वयं भी आनंदित होता है। आदर्श घर, गृहस्थ का आवास न एकदम खुला हो न एकदम बंद हो, जहाँ पर्याप्त आबादी हो, रोशनी, हवा व अन्य आवश्यक सुविधाओं हो, समुचित व्यवस्था हो वहाँ घर होना चाहिए। आवास अनुकूल नहीं हो तो जीवन के विकास पर प्रतिकूल असर पड़ता है। घर के अनेक द्वार न हो, घर से संबंधित लगातार यह दूसरा नियम घर के सुव्यवस्थित और पूर्ण रूप से सुरक्षित रखने पर बल देता है। सत्पुरुषों की संगति, व्यक्ति अपने संगी साथियों से जाना पहचाना जाता है, इसलिए उसे आचार निष्ठ व्यक्तियों से प्रगाढ़ व सतत परिचय रखना चाहिए। ऐसे परिचयों से जीवन में यश और लाभ की वृद्धि होती है। माता पिता की सेवा, भगवान महावीर का जीवन माता पिता के प्रति श्रद्धा भाव का अनुपम उदाहरण है। कलहप्रद वातावरण से दूर रहे, जो क्षेत्र उपद्रव बीमारियों से रहित हो वहां रहना और व्यापार नहीं करना चाहिए, शांति समृद्धि की जनक है। देश जाति व कुल के विरुद्ध आचरण नहीं करना, सद्गृहस्थ को अपने खान पान और जीवन व्यवहार में ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए जिससे लोक निंदा हो। आय के अनुसार व्यय, अर्थ गृहस्थ जीवन की दूरी है, उसमें पूर्ण सामंजस्य रहना चाहिए। संयमित जीवन जीने वाला आय से अधिक व्यय नहीं करता है। आजकल जो उधार के आधार पर विलासी जीवन जीने की वृत्ति चल पड़ी है उसके दुष्परिणाम भी सामने आने लगे हैं। हैसियत के अनुसार वस्त्राभूषण धारण करें, वस्त्र आभूषण अपनी हैसियत अनुसार धारण करें। धर्म श्रवण, जीवन व्यापारों से परेशान मानव को चाहिए कि वह धर्म की शरण लेता हुआ स्वयं को शांत, संतुलित, स्वस्थ और प्रसन्न रखे। अजीर्ण होने पर भोजन न करें। जीवन में जिस स्वास्थ्य और सामर्थ्य की आवश्यकता धर्म पथ पर चलने के लिए होती है, संभवतः उससे अधिक अर्थोपार्जन के लिए होती है। नियत समय पर प्रमाणोपेत आहार करना, जैनाचार में आहार के लिए नियत समय दिन का समय है। अविरोधी भाव से त्रिवर्त की साधना करें। भारतीय मनुष्य ने चार पुरुषार्थ पर बल दिया है, इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को त्रिवर्त माना गया है। अतिथि सेवा, भारतीय संस्कृति में अतिथि सत्कार का अत्यधिक महत्व है। आग्रहशील न होना, भगवान महावीर के धर्म में दुराग्रह और कदाग्रह का कोई स्थान नहीं है। उनके धर्म, दर्शन, जीवन और व्यवहार में सर्वत्र अनेकांत और अनाग्रह है। गुणानुरागिता, प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई विशेषता होती है,
गुणानुरागिता एक ऐसा सद्गुण है जिससे संसार भर के सद्गुणों को अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है। जैन आगम साहित्य में गुणानुरागिता के अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं। दूसरे में अवगुण ढूंढने वाला स्वयं अवगुणी बन जाता है, छिद्रानिवेशी सद्गुणी नहीं बन सकता है। देश कालोचित आचरण, देश काल के अनुसार बहुत सारी बातें बदल जाती हैं। विवेकशील व्यक्ति को अपने काम कार्य देश काल को देखते हुए करने चाहिए। शक्ति के अनुसार कार्य, सतग्रस्त को अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार ही कार्य को हाथ में लेना चाहिए। प्रति और ज्ञानी जनों की सेवा, आचार व्रत और ज्ञान व्रत पुरुषों को अपने घर आमंत्रित करना, आदर पूर्वक बिठाना, सम्मानित करना और उनकी यथोचित सेवा करनी चाहिए। गुण और योग्यता में श्रेष्ठ जनों का मान सम्मान करने वाले विकास की दौड़ में सदैव आगे रहते हैं। जिनके पास ज्ञान आचार और अनुभव है उनकी सेवा शुश्रूषा से सद्गुणों का प्रसार होता है। आंखों में स्पष्ट निर्देश है कि उम्र में लघु परंतु ज्ञान और आचार में श्रेष्ठ आदरणीय और वंदनीय होता है। उत्तरदायित्व निभाना, भारतीय संस्कृति में चार आश्रम बताए गए हैं, उसके अनुसार गृहस्थ को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। माता पिता परिवारजनों के प्रति दीर्घदर्शी, ग्रस्ताचार का ठीक प्रकार से पालन करने के लिए दूरदर्शिता होना अत्यंत आवश्यक है। विशेषज्ञ गृहस्थ को अपने कार्य में निष्णात होना चाहिए। कृतज्ञता बहुत बड़ा गुण है और कृतज्ञता बहुत बड़ा अवगुण। सतग्रस्त में ये भावना गहरे तक होनी चाहिए कि वो उपकारी के उपकार को माने, जीवन में उपकारियों के प्रति कृतज्ञ बना रहे, स्वयं किसी पर उपकार करे तो उसे गिनाए नहीं। लोकप्रिय एक सतग्रस्त से यह आशा की जाती है कि वह कोई कार्य ऐसा नहीं करे जिससे उसकी अपकीर्ति हो। लज्जाशील जीवन में कौटुंबिक व सामाजिक मान मर्यादाओं का ध्यान रखना पड़ता है। श्रावक जहां संकोच करना हो वहां संकोच करे और गरिमा बनाए रखे। श्राविकाओं में लज्जा गुण की विशेष अपेक्षा की जाती है। वे लज्जाशील को लज्जित करने वाला वस्त्र विन्यास नहीं करे जिससे उनकी स्वयं की अस्मिता और कुल गौरव पर आंच नहीं आए। दयावान दया जैनाचार का प्राण है। जैनाचार के लिए आधार को सम्यक दर्शन का एक लक्षण है अनुकंपा। दयावान कभी अपने से कमजोर का शोषण नहीं कर सकता है, वह जीव हिंसा से भी बचकर रहता है। सौम्यता भगवान महावीर ने धर्म के 10 लक्षणों में आर्जव ऋजुता और मृदुता को स्थान दिया है। परोपकारी परोपकारिता में एहसान नहीं अपितु कर्तव्य भावना मुख्य होनी चाहिए। षड रिपु विजेता आंखों में मानव के 6 आंतरिक शत्रु बताए गए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद और ईर्ष्या। एक श्रेष्ठ मानव के लिए इन सभी अंतर शत्रुओं पर नियंत्रण आवश्यक है। इंद्रिय विजेता मार्गानुसारी का यह 35वां नियम है। जिन्होंने इंद्रियों को पूर्ण रूप से जीत लिया वे जिन हो जाते हैं, जिनेश्वर प्रभु के बताए पथ पर चलने वाले जैन बन जाते हैं। ऐसे जैनों को हम नमन करते हैं। आचार्य हेमचंद्र ने मार्गानुसारी के इन 35 नियमों के अंत में लिखा है कि गृही धर्माय कल्पते, यानी जो इन गुणों को धारण करता है वह सद्गृहस्थ की भूमिका पर प्रतिष्ठित होता है। मार्गानुसारी के अनेक नियमों का संबंध सामाजिक आर्थिक और व्यवसायिक जीवन से है। नीति की स्थापना और नीति का पालन व प्रचार मार्गानुसारी के नियमों के माध्यम से संभव है। सामाजिक जीवन में ये अत्यंत उपयोगी है। चिंतन व्यवस्था और प्रस्तुति ये विकास के कारण बताए गए हैं। चिंता नहीं चिंतन करो, व्यथा नहीं व्यवस्था करो, प्रशस्ति नहीं प्रस्तुति करो, विकास के 3 सूत्र हैं। विकास के कारण ही चिंतन व्यवस्था और प्रस्तुति, जो कि समाज व्यवस्था साधन शुद्धि के विचार को समाप्त करती है, सत्यनिष्ठा को समाप्त करती है, उस समाज व्यवस्था का अंतिम परिणाम दुखद और अहित कर होता है। इस प्रकार आर्थिक प्रतिस्पर्धा के ने साधन शुद्धि के विवेक को समाप्त कर डाला। इस प्रतिस्पर्धा में येन के प्रकार धन स्याद की वृत्ति को तो बढ़ावा मिल जाता है किंतु उसका परिणाम अनैतिकता और अप्रामाणिकता का हो जाता है, उससे हमें बचना चाहिए। प्राचीन काल में व्यक्ति में सत्यनिष्ठता थी और वह समस्याएं पर बहुत ध्यान केंद्रित रखते थे। यही कारण था कि हमारी सती प्रथा और बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं बंद हो गई। समस्याएं आती रहती हैं, मिलती रहती हैं और जब बहुत अधिक पर व्यक्ति परेशान हो जाता है तब चिंतन करता और एक नई व्यवस्था बनाता है, तत्पश्चात उसे प्रस्तुत भी करता है और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके लिए सुखी होने का सिद्धांत देते हुए उस समस्या से मुक्ति भी दिलाता है। प्रतिस्पर्धा के साथ साधन शुद्धि का विवेक, विकास के साथ केंद्र में मनुष्य का चैतन्य की स्थापना की परिधि में पदार्थ या प्रदर्शन से में दर्शन का योग बन जाता है। सामाजिक व्यक्ति उसे छोड़ नहीं सकता है, उसे सर्वथा है ही नहीं कहा जा सकता। जो प्रवृत्ति प्रारंभ में नीरस होती है जिसका परिणाम सरस होता है यह भी आचरणीय होता है। नीम खाने में कड़वा होता है किंतु परिणाम अच्छे होते हैं। चीनी खाने में मीठी होती है किंतु उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। इस प्रकार साधन शुद्धि का मार्ग अपनाना चाहिए। जो समाज व्यवस्था प्रियता आकर्षण के आधार पर चलती है वह प्रारंभ में प्रिय लगती है पर उसका परिणाम अच्छा नहीं होता, अंततः वह एक खतरनाक मोड़ लेती है
जो समाज व्यवस्था मनुष्य में इंद्रिय लोलुपता बढ़ाती है, उसे अति आसक्त बनाती है, वह निश्चित ही खतरे में डाल देती है और इस स्थिति में व्यक्ति के सामने खतरनाक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, उनसे पराजित हो जाते हैं। हम वर्तमान सामाजिक व्यवस्था पर विचार कर देखते हैं कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण में हमारा अर्थ का संग्रह करना बुरा नहीं है, किंतु अर्थ का अपमान करना या अर्थ को व्यर्थ करना हमारे लिए बहुत गलत होगा। अध्यात्म के आधार पर समाज की व्यवस्था चल सकती है। समाज व्यवस्था के पीछे शासन भी होता है और दंड का भय भी होता है, किंतु दंड में एक शक्ति भी होती है। महावीर के पास न कोई शासन था, न राज्य सत्ता का सहारा था, न दंड की शक्ति। समाज की व्यवस्था करना उनका विषय भी नहीं था। समाज स्थायी मूल्यों के आधार पर चलता है, कोई भी समाज केवल सामाजिक मूल्यों के आधार पर नहीं चलता है। भगवान महावीर ने ऐसे स्थायी मूल्यों का प्रतिपादन किया जो समाज के लिए आधारभूत बन गए। वे आधारभूत तत्व सात हैं: अभय, अनाक्रमण, विश्वास या आश्वासन, सामंजस्यपूर्ण विकास, परिग्रह की सम्यक व्यवस्था, समानता और विसर्जन। भगवान महावीर ने 12 व्रतों को प्रतिपादन किया। अध्यात्म समाज व्यवस्था का स्थायी तत्व है, त्रिकालिक सत्य है। चाहे कोई भी व्यवस्था हो, प्रजातांत्रिक प्रणाली हो, साम्यवादी प्रणाली हो या अन्य कोई भी प्रमाणित प्रणाली हो, ये सात तत्व प्रत्यक्ष समाज के लिए अनिवार्य है। जहाँ अभय और अनाक्रमण की बात नहीं होती, वहां समाज चल ही नहीं सकता है। सबसे पहली शर्त है अभय। जितने हिंसक जानवर है उनका समाज नहीं बना, बन भी नहीं सकता, क्योंकि वे एक दूसरे से भय खाते हैं। मनुष्य का समाज तभी बना जब उनमें पहले अभय का विकास हुआ। अभय के लिए अनाक्रमण जरूरी है। अनाक्रमण होगा तभी अभय का विकास होगा। समाज व्यवस्था का मूल तंत्र अहिंसा है। अहिंसा का अर्थ अभय का विकास और अनाक्रमण का विकास है। यह जंगल का कानून है कि शेर दूसरे प्राणियों को खा जाता है। एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। समुद्र का कानून है। जहां भय होता है वहां समाज नहीं बनता। समाज बने और चले, समाज व्यवस्था स्थायी रहे, उसके लिए दो अनिवार्य शर्तें अभय और अनाक्रमण। इन दोनों का समुच्चय अहिंसा। सामाजिक जीवन में विषमता से उत्पन्न होने वाले चार मूलभूत कारण जो पहले भी बताए थे, संग्रह यानी लोभ, क्रोध, गर्व, माया, जिन्हें हम जैन धर्म में चार कषाय कहते हैं, अलग अलग रूप में आ जाते हैं और इनकी हम व्याख्या पहले पूर्व कर चुके हैं। अमर मुनि जी ने एक आर्थिक वैषम्यता के लिए एक बहुत अच्छी पंक्ति कही थी कि गरीबी स्वयं में कोई समस्या नहीं है। जिस प्रकार पहाड़ों की असीम ऊंचाइयों ने इस धरती को जगह जगह पर गड्ढे पैदा कर दिए, जब पहाड़ टूटेंगे तो गड्ढे स्वयं भर जाएंगे, उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति संपत्ति का विसर्जन करेगा तो गरीबी अपने आप टूट जाएगी। वस्तुतः आवश्यकता इस बात की है कि व्यक्ति में परिग्रह के विसर्जन की भावना उद्भूत हो। परिग्रह के विसर्जन से आर्थिक विषमता समाप्त हो सकती है। जब तक संग्रह की वृत्ति समाप्त नहीं होगी, आर्थिक विषमता समाप्त नहीं हो सकती है। निराकरण में अपरिग्रह का जो हमारा मूल सिद्धांत है वह काम आता है। और महावीर का उद्घोष था असंविभागी नाहु तस्स मोखो, स्पष्ट बताता है कि जैन दर्शन आर्थिक विषमता के निराकरण के लिए संवितरण की धारणा को प्रतिपादित करता है। भ्रष्टाचार केवल भाव जनित बीमारी नहीं है, परंतु वह एक मानसिक बीमारी है जिसके मूल में संग्रह इच्छा है एवं भोगेच्छा के कीटाणु रहे हैं। वह वस्तुतः है, कितना भी हो जाए, उसको सरकार कितना भी पैसा दे, फिर भी भ्रष्टाचार चलता ही रहता है। उसकी उसमें तृष्णा है, जो हमारे जैन धर्म में तृष्णा जिसको मूल बताया है, तृष्णा के पीछे ही भ्रष्टाचार का कारण आता है। आज का मानव तृष्णा से इतना अधिक ग्रसित है कि वह एक अच्छा सुखद एवं शांतिपूर्ण जीवन नहीं जी सकता है। किसी भी सीमा तक हम यह मान ले कि अभाव के कारण आर्थिक भ्रष्टाचार का जन्म होता है, तो जहां तक कृत्रिम अभाव का प्रश्न है, कुछ व्यक्तियों के द्वारा किए गए अवैध संग्रह का परिणाम आ जाता है। जैन नीति दर्शन ने गृहस्थ साधक के अनर्थ विरमण व्रत में उपभोग के पदार्थों को अनावश्यक संग्रह को निषिद्ध ठहराया है। जैन धर्म हमारे सामाजिक जीवन से संबंधित है। जैन आचार दर्शन उपयुक्त तीनों विषमताओं के निराकरण के लिए अपने आचार दर्शन में तीन सिद्धांत प्रस्तुत करता है। सामाजिक विषम्य के निराकरण के लिए उसने अहिंसा एवं सामाजिक समता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। आर्थिक विषम्य के निराकरण के लिए परिग्रह उपभोग परिसीमन का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार बौद्धिक एवं वैचारिक संघर्षों में निराकरण के लिए अनाग्रह और अनेकांत का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। ये सिद्धांत हमारे जैन धर्म दर्शन में ही मिलते हैं। हम देखते हैं कि सामाजिक जीवन से विषमताओं के निराकरण और समत्व के सृजन के लिए एक ऐसी आचार विधि प्रस्तुत हो जाती है जो हमारे परिपालन करने से सामाजिक जीवन में सच्ची शांति और वास्तविक सुख का लाभ प्राप्त करवाती है। सामाजिक जीवन से संबंधों के शुद्धिकरण पर अधिक बल दिया गया है। कुछ हमारे शास्त्रों में निष्ठा सूत्र आए हैं, जैसे आत्माएं
स्वरूपतः समान है, अतः सामाजिक जीवन में ऊंच नीच या वर्ण भेद खड़ा नहीं हो सकता है। सभी आत्माएं समान रूप से सुखाभिलाषी है, अतः दूसरे के हितों का हनन, शोषण या अपहरण करने का अधिकार किसी को नहीं है। आचरांग का पहले अध्ययन में दूसरा और तीसरा अध्याय उसमें विभाग में ये कहा गया है कि सभी के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा तुम उनसे स्वयं के प्रति चाहते हो। यह समण सूक्त में भी आता है। संसार में प्राणियों के साथ मैत्री भाव रखो, किसी से भी घृणा एवं विद्वेष मत रखो, समण सूक्त में है यह। गुणीजनों के प्रति आदर भाव और दृष्टजनों के प्रति उपेक्षा भाव रखें, यह सामायिक का पहला पाठ है। संसार में जो दुखी एवं पीड़ित जन है उनके प्रति करुणा और वात्सल्य का भाव रखो, अपनी स्थिति के अनुरूप उन्हें सेवा सहयोग प्रदान करो। व्यवहार सूत्र में उपासक दशांक सूत्र एवं व्रत करण श्रावकाचार में पंडित श्रावक के 12 व्रतों एवं उनके अतिचारों से निम्न सामाजिक आचार नियम फलित होते हैं। किसी निर्दोष प्राणी को बंदी मत बनाओ, अर्थात सामान्य जनों की स्वतंत्रता में बाधक मत बनो। किसी का वध या अंगभेद मत करो, किसी की के मर्यादा से अधिक काम मत लो, किसी की आजीविका में बाधक मत बनो। पारस्परिक विश्वास को भंग मत करो, न तो किसी का अनागत हड़पो और न ही किसी के रहस्यों को प्रकट करो। सामाजिक जीवन में गलत सलाह मत दो, अफवाह मत फैलाओ और दूसरों के चारित्र हनन का प्रयास मत करो। अपने स्वार्थ की सिद्धि के हेतु असत्य घोषणा मत करो, न तो स्वयं चोरी करो, न चोर के सहयोग दो, न चोरी का माल खरीदो और न बेचो। व्यवसाय के क्षेत्र में नाप तोल से अप्रामाणिकता मत रखो और वस्तुओं में मिलावट मत करो। राजकीय नियमों का उल्लंघन और राज्यों के करों को अपमंचन मत करो। अपने यौन संबंधों में अनैतिक आचरण मत करो। वेश्या संसर्ग, वेश्यावृत्ति, वेश्यावृत्ति के द्वारा धन अर्जन मत करो। अपनी संपत्ति का परिसीमन करो, उसे लोक हितार्थ व्यय करो। अपने व्यवसाय के क्षेत्र को सीमित करो और वर्जित व्यवसाय मत करो। अपनी उपभोग सामग्री की मर्यादा करो, उसका अति संग्रह मत करो। वे सभी कार्य मत करो जिनसे तुम्हारा कोई हित नहीं होता है किंतु दूसरों का अहित संभव हो, अर्थात अनावश्यक गपशप, परनिंदा, काम, कुचेष्टा, शास्त्र संग्रह आदि मत करो। यथा संभव अतिथियों की, संजनों की, पीड़ित एवं असहाय व्यक्तियों की सेवा करो। अन्न, वस्त्र, आवास, ओष्ठी आदि के द्वारा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करो। क्रोध मत करो, सबसे प्रेमपूर्ण व्यवहार करो। अहंकार मत करो, अपितु विनीत बनो, दूसरों को आदर करो। कपटपूर्ण व्यवहार मत करो, परन व्यवहार में निश्चल एवं प्रामाणिक रहो। अविचारपूर्ण कार्य मत करो, लोभ या आसक्ति मत रखो। इस प्रकार बहुत से आचार नियम हैं जो हमें जैन नीति में हमारी सामाजिकता की सार्थकता को स्पष्ट करते हैं। सामाजिक समस्याओं में वर्तमान समस्याएं जितनी भी है उन सबका समाधान हमें जैन धर्म और दर्शन में परिलक्षित होता है। मैंने अपने एक शोध के माध्यम से एक बार कहीं पर यह भी बताया था कि हमारे परिवारों में जो रीति रिवाज परंपराएं हैं, जो हमारे सामाजिक रीति रिवाज और परंपराएं हैं, उनमें एक एक में हमारी एक एक परंपरा में एक एक रीति रिवाज में हमारा जैन धर्म दर्शन बसा हुआ है। हम उन धर्म दर्शन के माध्यम से सारी सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जय जिनेंद्र, मुझसे कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा, जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ बोला हो तो क्षमा चाहूंगी। जी जी, थैंक यू सो मच रीना जी, बहुत ही अच्छा लेक्चर था। एक्चुअली आपने पूरा ये जो अध्ययन संशोधन करके रखा है उसको पूरा आपने बहुत अच्छी से हम सबको बताया, और मार्गानुसारी की जो 35 गुण है उसके ऊपर आपने हाईलाइट डाली। खैर, समय और ज्यादा होता तो हम तो आपके पास समझना चाहते हैं मार्गानुसारी के गुण, क्योंकि जिस तरह आपने बताया कि जैन आचार दर्शन के अंदर परम पूज्य हेमचंद्राचार्य जी द्वारा रचित जो योग शास्त्र ग्रंथ आपने बात और ये मार्गानुसारी के बारे में बताया, तो डेफिनेटली ये आचार शास्त्र रिलेटेड जो भी बातें हैं वो हमें और डिटेल में जाननी थी। पर आपने जिस तरह इसको सामाजिक समस्याओं के निवारण के लिए आपने जिस तरह इसको घटित किया वो बहुत ही अच्छा लगा। मैं पुनः धन्यवाद करना चाहूंगा आपका सभी दर्शकों की ओर से, और दर्शकों के लिए भी सेशन ओपन रखना चाहूंगा। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। आप वर्चुअल हैंड का ऑप्शन होगा आपके स्क्रीन के यहाँ, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। आप डायरेक्टली भी रीना जी से प्रश्न पूछ सकते हैं। रोहित भाई, आपको कोई प्रश्न पूछना है? ओके, नमस्ते रीना जी। मेरा प्रश्न ये है कि जो सामाजिक कुरिवाजों की समस्या है विविध समाज में है, जैसे दहेज समस्या है या related so many, you understand very properly, तो उसके निवारण के लिए क्या आपका क्या सुझाव रहेगा? जैन धर्म उसमें कैसे हमको गाइड करता है
कि जैसे हम ये कुरिवाजों से जो प्रथा अनादि कुटुंबिक परंपरा से चली आ रही है उसका निवारण कैसे करें, उसके लिए क्या जैन धर्म में कुछ ऐसा मार्गदर्शन मिलता है? बिल्कुल मिलता है सर, और मैं तो प्रेजेंटली इससे आघातित भी हूँ। इस समस्या से मुझे कब निजात मिलेगी मुझे नहीं पता है, मेरी बिटिया के साथ अभी अभी हुआ है। दहेज प्रथा हम लोगों के यहाँ जैन समाज में इतनी अधिक है जिसकी कोई मैं सीमा नहीं बता सकती हूँ, कि लोग बाग डायरेक्टली नहीं मांगते लेकिन इनडायरेक्टली बहुत कुछ मांगते हैं और बच्चियों पर बहुत अत्याचार भी होता है। उस अत्याचार के साथ में हमारा जैन धर्म दर्शन हमें संयम सिखाता है कि हम संयम से रहें। मैंने अपनी बिटिया को जब डाइवर्ट किया, वो यूके में थी 14 महीने, और जब यहाँ आई उसने सारी बात मुझे बताई, एक बच्चे के साथ है वो आज, और उसने मुझे ये सब बात बताई तो मुझ पर बहुत, पहले तो ये लगा कि मैं क्या धर्म कहाँ ढूंढ रही हूँ, क्या कर रही हूँ, लेकिन फिर अपने आप को संयमित किया और अपनी बच्ची को भी संयमित रहने को बताया कि जो कुछ होगा किसी अच्छे के लिए, कर्म प्रथा जो हम कहते हैं ना कि हमारा कर्म है, वही कर्म के सिद्धांत को ही आपको फॉलो करना होगा इसमें, चाहे वो दहेज से संबंधित है या हमारी घरेलू हिंसा से संबंधित है। आज हमारे विवाह विच्छेद क्यों हो रहे हैं, जैन समाज में सबसे अधिक विवाह विच्छेद है सब, इसका प्रमुख कारण हम ये तो नहीं कह सकते कि बच्चों के ईगो है या आपस में उनके बीच में मेल नहीं खाते हैं या हम परिवार अच्छे नहीं ढूंढ रहे हैं। हम किसी को बुरा भी नहीं कह सकते हैं, मैं भी नहीं कहूंगी किसी को बुरा कि वो सामने वाला बुरा है या नहीं है, मैं कहूंगी ये सिर्फ हमारी कर्म प्रथा है जो हम कहते हैं ना कर्म, मैंने निष्कासित कर्म बताए थे, निष्कासित कर्म जो हमारे हैं वो एक दूसरे से रिलेट है और हमारे भाग्योदय में ऐसा लिखा है शायद, इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है। यही कहकर मैं उसे समझाती हूँ अभी तक तो, कि जैन धर्म का हमारा कर्म ही हमारे आड़े आया है और कर्म से ही हमें कुछ अच्छा होगा, शायद कुछ अच्छे के लिए हमारे साथ बुरा होता है और भगवान उसी की परीक्षा लेता है जो परीक्षा देने में कामयाब होता है। इसलिए अगर दुख कष्ट आए तो घबराना नहीं है, उसे संभाव से सह जाना है। दूसरा प्रश्न ये है कि ये कुरिवाजों में राजस्थान में एक रिवाज कुछ ऐसा मैंने मेरे ध्यान में नजर में आया है कि हमारे यहाँ एक सर्वेंट है वो काम करता है, उनकी बिटिया की शादी होती है तो पूरे गांव को उसको भोज देना है जी, और वो भोज देने की उसकी क्षमता नहीं है तो वो कर्जा निकाल करके भी, ऋण में डूब करके भी वो प्रथा का पालन करता है, नहीं करता है तो उसे फिर गांव वाले सजा देते हैं, मुखिया वगैरह जो कोई भी है वो, तो उसका ये जो है तो उसके साथ कैसे लड़ा जाए सब। उसके साथ तो हमारा सामाजिक संगठन ही काम में आएगा कि हम एक सामाजिक संगठन, क्योंकि हम कुछ चीजें कुछ समस्याओं का समाधान हम अकेले नहीं कर सकते, अकेले नहीं कर तो सकते। उसमें हाँ बिल्कुल, तो उसमें हमारे सामाजिक संगठन काम करते हैं, तो वो सामाजिक संगठन उनको जाकर समझाएगा, क्योंकि पहले इन लोगों में मृत्यु भोज भी हुआ करता था और पूरा का पूरा गांव जीमा करता था सब। मृत्यु भोज आज लगभग सभी जातियों में बंद हो गया, यहाँ तक कि हरिजन समाज में भी खास खास परिवार वाले लोगों को बुलाया जाता है, बाकी बंद कर दिया गया है। तो जिस तरह से मृत्यु भोज बंद हुआ वैसे ही उनके विवाह पर भी ये प्रथा समाप्त हो सकती है, लेकिन हमें सामूहिक रूप से उनको समझाना होगा। मैंने राजपूतों में कभी विधवा विवाह नहीं सुना था, मेरे यहाँ भी एक ऑफिस में पियोन है, उसकी बहन थी, तो मैंने वैसे ही उसको बाल विधवा हो गई थी तो वैसे ही बोला कि इसका पुनर्विवाह कर दो। बोला मैडम हमारे समाज में होता नहीं है। मैंने कहा ठीक है तुम लड़का देखो कोई ऐसा कि दूसरी शादी हो जाए बहन की तो जिंदगी निकल जाएगी, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत कम उम्र में थी वो, उस समय बाल विवाह हुआ था और उसकी हस्बैंड की डेथ हो गई थी। हुआ ये कि उसके साथ समझाया, तो समूह में जब हम समझाते हैं तो ये काम रुक सकता है। जिसे जैसा मैंने अभी अपने उसमें वक्तव्य में डाला था कि सामाजिक संगठन, गैर सामाजिक संगठन और हमारा समूह इन सब कामों को कर सकता है सर। अच्छा जी, धन्यवाद। और एक तीसरा लास्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम वेयर आई कैन गेट द डिटेल्ड रीडिंग अबाउट द समन सूत्रम, कैन यू सजेस्ट एनी बुक विच गिव मी अ शॉर्ट एंड स्वीट इंफॉर्मेशन और द डिटेल्स अबाउट द समन सूत्रम, बिकॉज मैं कभी बहुत दिन से ट्राई कर रहा हूँ मुझे ये मिलता नहीं है। सर मैं अवेलेबल करवाऊंगी, आप मुझे आपका एड्रेस भेजिएगा, समन सूत्रम मैं आपको बिल्कुल भिजवाऊंगी। आप हिंदी में पढ़ना चाहेंगे, इंग्लिश में पढ़ना चाहेंगे,
दोनों में से किसी भी लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश हिंदी गुजराती कोई लैंग्वेज का प्रॉब्लम। तो कैसे आपका मैं संपर्क करूं मैडम जी? आप नील जी से मेरा नंबर मैं बोल देती हूं। जी मैं संपर्क सूत्र उनको बाद में दे देता हूं, नहीं तो ठीक है। ठीक ओके हाँ जी जी, आप जैन फाउंडेशन के कांटेक्ट नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो, चैट बॉक्स के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, सो आपको हम प्रोवाइड करा देंगे जी। जी जी, और किसी को कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको हैंड रेज करना है। किसी को प्रश्न है, प्रमिला बहन आदि जो भी हमारे दर्शक जुड़े हैं, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एक प्रश्न चैट बॉक्स में आया है कि जहां पूरी दुनिया जनसंख्या कंट्रोल करने के ऊपर बात कर रही है, जैसे भारत चाइना जैसे देशों में, वहां जैन समाज घटती जनसंख्या के कारण चिंतित है, तो इसके ऊपर आपके क्या विचार है? मेरा विचार है कि जैन समुदाय जो हमारा जैन जाति वर्ग वाला वर्ग है वाली बात है कि हमारे जैन समाज की जनसंख्या कम है, या तो हमें जैनों को जैन बनाए तो हमारे पास में वो क्षमता नहीं है। सिर्फ राजस्थान में हिंडोन करोल साइड में एक मणिरत्न सागर जी भारत साहब है, उन्होंने ही काफी जैनों को जैन बनाया है। अब तक लगभग 2500-3000 परिवार हैं वहां, उन्होंने कई मंदिरों की स्थापना भी की है और उन्होंने अजैनियों को जैन भी बनाया है। तो या तो हमारा यह प्रयास हो, और अगर यह प्रयास नहीं होता है तो आज हमारे साथ जो एक एक दो दो बच्चे हैं हमारे, कल शायद हमारी जनसंख्या इससे भी कम हो जाएगी, तो हम लोगों के लिए पारिवारिक समस्या बहुत अधिक जो हमारे लिए कष्टपूर्ण स्थिति है वो एक सामने आएगी, जिसमें हमारे परिवार ही नहीं बचेंगे कि कोई मासी बुआ बोलने वाला हमको होगा, हमारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे सब। तो हमारे जैन समाज वालों को तो 2 या 3 बच्चे 4 बच्चे जो भी करना चाहे उनकी छूट पर है। और शायद बेंगलोर में जीटो फाउंडेशन ने ये एक उद्घोषणा भी करी है कि जिसके तीसरा बच्चा होगा उसकी डिलीवरी का खर्च वो लोग खुद उठाएंगे और उसकी शिक्षा का भी। तो मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा प्रयास है, और जैन धर्म में भी ऐसा नहीं है कि हमें अपने एक एक बच्चों पर हमने कंट्रोल जो कर लिया था वो बहुत गलत रहा था, हमारे निर्णय गलत थे, लेकिन आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसे इस बारे में विचार करना चाहिए और हमारी जनसंख्या अधिक होनी चाहिए क्योंकि हम जैन बहुत कम है। जी 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 रीना जी, धन्यवाद इस प्रश्न के उत्तर देने के लिए। और एक प्रश्न आया है कि जैन समाज हम देखते हैं तो बहुत सारे संप्रदाय वगैरह में बटा हुआ है, तो इसके कारण बहुत सारी परेशानियां, झगड़े, और जो एकता है वो हमारी कहीं ना कहीं यू नो खंडित होती है, और उससे जिन शासन को बहुत हानि होती है, तो इसके ऊपर आपके क्या विचार है? सब ये जो एकता वाली बात है, तो एकता और सौहार्द की भावना हमारे श्री संघों को करनी पड़ेगी। जितने भी श्री संघ है, छोटे छोटे श्री संघ है, हर एरिया में हर संघ बना हुआ है, हर मंदिर में एक पेड़ी संघ बना हुआ है, वो जो कार्यकारिणी के 21 या 26 या 36 उनके जो भी सदस्य हैं, उन लोगों को एकत्रित होकर अपने दूसरे संघों में पहुंचना होता है उनके कार्यक्रमों में भी, और उनको भी अपने पास बुलाना होगा। जब श्री संघ की आपसी फूट खत्म हो जाएगी तो हमारे जैन संत समाज को एकत्रित करने में शायद हमें यह जोर नहीं आएगा, हमारा संत समाज भी एकत्रित होने लगेगा। आज बहुत से संत आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो उनको भी ये चिंता है कि हमारे जो संप्रदाय बटे हुए हैं उनमें अधिक टूटन हो गई तो हम एक दूसरे को हाथ जोड़ने या वंदन करने से भी वंचित न हो जाएं। कई स्थानों पर तो अपने अपने धर्म गुरुओं के प्रति इतना श्रद्धा और इतनी भाव हो जाता है कि वो दूसरे गुरुओं को गुरु ही नहीं मानते हैं। मैं बहुत कड़वा सत्य बोल रही हूँ, शायद मुझे इस मन से बोलना चाहिए या नहीं, लेकिन बोलने में इसलिए आ रहा है कि मैं भी कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ और वहां पर भी लोगों की जो भावना देखती हूँ तो उसमें मुझे लगता है कि आज मेरी कार्यकारिणी में 26 या 36 मेंबर है, मुझे उनमें अपनी आवाज रखने के लिए मुझे 4 लोगों से पहले बात करनी होती है कि ये बात सही है, इस बात का मुद्दा उठना चाहिए, और ये बात गलत है, इसका नहीं होना चाहिए, इसका समर्थन हमें नहीं करना है। तो हम जब हमारे संघों को एकत्रित कर लेंगे, चाहे मैं खतरगढ़ संघ से जुड़ी हुई हूँ या वासुपुंजम मंडल से जुड़ी हुई हूँ, वहां पर भी सभी संघ समाज के लोग हैं, सभी संप्रदाय के लोग भी हैं, लेकिन उनमें एकता है, उनमें एकता बनानी पड़ती है हमें अपने व्यवहार से, और हमारा व्यवहार आता है हमारे आचार से। जी नील जी, बहुत ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, शायद किसी का आंसर से ज्यादा बोल पा रही हूँ तो मुझे मिच्छामी दुक्कड़म, लेकिन हमें एकत्रित हमारे संघों को करना होगा, और जब हमारे छोटे संघ एकत्रित हो जाएंगे और हम दूसरे संघों में अपनी बात को रखेंगे या उनके कार्यक्रम में जाएंगे और एक दूसरे को निमंत्रण देंगे, तो ये सौहार्दपूर्ण वातावरण स्वतः ही आ जाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सुंदर बात बताई कि संघों के बीच एकता करना भी बहुत जरूरी है, और वो एकता होगी तो आगे कुछ काम भी हो पाएगा, और उसके लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में भी आपने बताया। थैंक यू सो मच। एक दूसरा प्रश्न आया कि आज एक इक्वालिटी को लेके स्त्री और पुरुषों में भूत सवार हो गया है, ऐसा उन्होंने लिखा है प्रश्न में, और ये मॉडर्न वर्ल्ड में आर्य संस्कृति को भूल के मीन्स एडवांस थिंकिंग, ओपन माइंडेडनेस, ऐसी सब बातों को लेकर स्त्रियां भी पुरुषों के साथ व्यापार वगैरह में जुड़ना, जॉब करना, ये सब में आगे जा रहे हैं, तो इसके ऊपर आपके क्या विचार है? क्या हमें इस बदलाव को एक्सेप्ट करना चाहिए या किस तरह देखना चाहिए? नहीं, हमें महिलाएं अगर हमारी योग्य है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, अगर उसमें योग्यता है तो वो व्यापार में भी आगे जाए और नौकरी में भी आगे जाए, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। आज मैं भी एक महिला हूँ और मैं भी अपने मुकाम पर खड़ी हूँ मेरे परिवार के साथ में, इसमें कोई बुराई थोड़ी है। और मैं ही क्यों, हमारे चंदन बाला को देखिए ना जी। भगवान महावीर ने उसको आचार्य पदवी दे दी थी, शायद पहली आचार्य महिला थी। तो महिलाओं को आगे से आगे पहुंचना चाहिए, और पुरुषों से भी अगर आगे पहुंचती है तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, लेकिन उन्हें अपना जो अपनी संस्कृति है, अपने पारिवारिक क्षेत्र है, उससे कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। अपने कर्तव्यों का निर्वहन, घर गृहस्थी के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उसे आगे बढ़ना चाहिए। उसी में महिला की अपनी जो तारीफ है, महिला जो एक नारी के शक्ति के रूप में है, वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन उस रूप में करे, किसी मतलब इस तरह से नहीं करे कि वो मतलब मुझे नहीं बोलना चाहिए कि वो ऐसे शब्दों कि वो कल्चर में दूसरे कल्चर में जा रही है या पाश्चात्य संस्कृति में डूबी हुई है और घर परिवार का कहना नहीं माने या घर परिवार के अनुकूल नहीं रहे और आगे पहुंचे, वो गलत है। वो अपनी मर्यादा में रहते हुए आगे बढ़े, उसमें कोई शक नहीं है। यह हमारा जैन धर्म भी कहता है, सभी धर्म मानते हैं, और नारी की तो हमेशा पूजा होती होती है, तो नारी एक शक्ति के रूप में आगे बढ़ती रहनी चाहिए। जी जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। थैंक यू सो मच रीना जी, इस मंच के ऊपर अपना अमूल्य समय देने के लिए, और एक अच्छा Q&A सेशन भी हो गया और आपने जिज्ञासाओं का समाधान किया, इस बदल मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जैन फाउंडेशन की हमारी पूरी टीम की ओर से, और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसी के साथ हम आज के इस सेशन को विराम देंगे, और मैं सभी से कहना चाहूंगा कि अगले हफ्ते जैन टॉक्स का 150th टॉक सेशन है, और हमारे इस टॉक सेशन में आचार्य चंदना श्री जी पधार रहे हैं, तो आप जरूर से इस टॉक सेशन के अंदर जुड़ना। वे तीर्थंकर महावीर और उनके संदेश के ऊपर बात करने वाली है, तो बहुत ही सुंदर ये भी टॉक सेशन रहेगा जो पद्मश्री अवॉर्डी है। सो आप सबसे पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जुड़ना, अगर आप जैन फाउंडेशन के ग्रुप में नहीं है तो चैट बॉक्स में नंबर आया है जैन फाउंडेशन का, उसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपको जैन फाउंडेशन के ग्रुप में जुड़ा जा सकता है, और जो भी एक्टिविटीज, जो भी कोर्सेज जैन फाउंडेशन के अंदर रन हो रहे हैं उसकी आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेगी, जिससे आप मन चाहे विषय के अंदर जुड़ सकते हैं। जैन टॉक्स हर शनिवार को होता है 8:30 से 9:30, जिसमें हर शनिवार को कोई नया वक्ता आता है कोई नए विषय के साथ, जैसे आज हमारे साथ जयपुर से रीना जी बैज जुड़े, उसी तरह हमारे साथ अगले हफ्ते राजगीर से आचार्य चंदना श्री जी जुड़ेंगे। और इसी के साथ साथ हर मंडे को आध्यात्म उपनिषद का स्वाध्याय, ट्यूसडे को गंडरवाद, वेनसडे को अष्टकर्म निवारण पूजा के ऊपर 8 लेक्चर का स्वाध्याय शुरू हुआ है, गुरुवार को यशो विजय 24 के ऊपर, शुक्रवार को जैन आहार और आयुर्वेद के ऊपर चल रहा है सेशन, और शनिवार को गंडरवाद और जैन टॉक्स रहता है। तो आप जो भी आपको विषय पसंद है, और एक द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ भी मंगलवार को चल रहा है जो आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांती देव के द्वारा रचित है, वो भी बहुत ही सुंदर प्राकृत भाषा का ग्रंथ है, तो आपको कोई भी विषय पसंद है उसके ऊपर आप जुड़ सकते हो, इसके कोई भी चार्जेस नहीं है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ग्रुप में जुड़ सकते हो, और इसकी रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब के ऊपर प्राप्त कर सकते हो। द जैन फाउंडेशन यूट्यूब चैनल का नाम है, आप जाके चेक कर सकते हो कौन से कोर्सेज हो गए और कौन से हो रहे हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो इसी के साथ पुनः धन्यवाद करता हूँ रीना जी का, और आज के सेशन को हम विराम देते हैं। विराम देने से पहले, जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ।
कामेमि सर्वजीवे सर्वे जीवा खमन्तु मे मित्ति मे सर्व भूयेषु वैरं मज्जनकेणै सर्वथा सौ सुखिता हो पापना कोई आचरो राग द्वेषति मुक्त बनी ने समता सौ समाचरो। सभी को मेरे प्रणाम। जय जिनेन्द्र।